नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। परेल में बहुमंजिला बिल्डिंग में लगी आग, दो की जगह पर मौत, 20 लोग हुए घायल। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के परेल इलाके में बुधवार को एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई है। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घायलों का इलाज के लिए KEM अस्पताल भेज दिया गया है। आग लगने की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इमारत में फंसे लोगों को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। बता दें कि लेवल 2 की यह आग परेल के हिंद माता सिनेमा के पास सुबह करीब 8:30 बजे लगी है। क्रिस्टल टावर नाम की इमारत की 12वीं मंजिल में यह हादसा हुआ है। बताया गया है कि दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग शायद शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोगों की जान दम घुटने के कारण चली गई। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 16 घायलों का इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि जून के महीने में RTI से मिली जानकारी में पता चला था कि मुंबई में पिछले 6 साल में आग की 29,140 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इनमें मौत के मुंह में जाने वालों की संख्या 300 है। महाराष्ट्र अग्नि प्रबंधक व जीव रक्षक उपाय योजना अधिनियम 2006 के तहत नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी मुंबई फायर ब्रिगेड की है, लेकिन पिछले 6 साल में मुंबई शहर में आग की घटनाओं की संख्या चौंका देने वाली है। इससे जाहिर होता है कि आग संबंधी एहतियातों को कड़ाई से पालन नहीं होता। अपने गुंडों को गैंग से निकाल रहा है अंडरवर्ल्ड का वांटेड गुंडा दाऊद कास्कर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने जिन सहयोगियों पर भरोसा नहीं करता है, उन्हें वह बाहर निकाल रहा है। सूत्रों की माने तो जबीर मोती को खुद दाऊद इब्राहिम ने ही लंदन में गिरफ्तार करवाया है। दाऊद की इस कथित रणनीति से उसके विरोधियों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। अगर सूत्रों की माने तो अपने सबसे वफादार सहयोगी छोटा शकील को अपनी जगह दिखाने के बाद बीते कुछ समय से बीमार दाऊद चाहता है कि उसका परिवार अब उसके कारोबार संभाले। दाऊद का मुख्य सहयोगी जबीर मोती को हाल ही में लंदन में गिरफ्तार किया गया है। यह इसी ओर इशारा कर रहा है कि दाऊद एक एक करके अविश्वसनीय सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है। भारतीय खुफिया सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि दाऊद ने ही जबीर को गिरफ्तार करवाया होगा। विश्वस्त सूत्रों ने बताया, दाऊद पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहा है और अब वह अपना कारोबार न सिर्फ UK और US में बल्कि एशियन और अफ्रीकन देशों में भी धीरे धीरे समेटना चाहता है। वह चाहता है कि दूसरे कारोबार अब उसका भाई अनीस इब्राहिम और उसके परिवार वाले संभालें। शायद वह यह नहीं चाहता कि उसके परिजनों को कोई परेशानी हो। हालांकि जबीर की लंदन में गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को कुछ आशा है कि किरण नजर आई है, खासकर उन एजेंसियों को जो मोजेम्बिक में इसी साल बिजनेस टाइकून प्रमोद गोयनका के अपहरण और हत्या की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब इंटरपोल के जरिए लंदन पुलिस से संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंदन पुलिस से जबीर की कस्टडी नहीं ले सकती हैं। इंटरपोल UK पुलिस के सामने जबीर से पूछताछ कर सकती है। लंदन में रहने वाला पाकिस्तानी नागरिक जबीर UK और US में दाऊद का वित्तीय कारोबार संभालता था। वह दाऊद के सहयोगी इकबाल मिर्ची और उसके लंदन में रहने वाले कारोबारी भांजे आसिफ के भी बहुत नजदीक है। इजराइल की जासूसी एजेंसी जो गोयनका के मूवमेंट को मैप्यूटो एयरपोर्ट से फॉलो कर रही थी, उसने कहा था कि उन्हें शायद आसिफ के कहने पर पाकिस्तानी गैंग ने स्विट्जरलैंड में किडनैप किया होगा। एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, जबीर और आसिफ की जोड़ी अभी नई है। हमें पूरी उम्मीद है कि जबीर से पूछताछ के बाद हमें प्रमोद गोयनका के अपहरण और हत्या के पीछे के सही कारणों का पता चल सकेगा। DRI की क्रॉफर्ड मार्केट में बड़ी कार्रवाई, करोड़ों का माल जब्त।
खुफिया राजस्व निदेशालय ने विदेशों में बनी उम्दा किस्म और 75 mm से ज्यादा लंबी सिगरेट बरामद की हैं। इनकी कीमत 1.7 करोड़ रुपए है। ये 7,32,640 सिगरेट पैकेटों में थी। साथ ही उसने 2.31 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। DRI के अनुसार स्मगलिंग सिंडिकेट दिल्ली में काम कर रही है, जो विदेशों में उम्दा ब्रांड जैसे मार्लबोरो, बेंसन हेजेस, मोर, रॉथमैन्स आदि की सिगरेट मुंबई स्मगलिंग करती है। यहां इन सिगरेटों को फिल्मी सर्कल, कॉर्पोरेट क्षेत्र और व्यापारियों आदियों में काफी मांग है। इस स्मगलिंग के 2 वितरक मुसाफिरखाना में काम करते हैं। वहां DRI को भनक लगी ही छापेमारी की गई। साथ ही वहां से 2.31 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। इस मामले में DRI ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जांच जारी है। सनातन संस्था फिर विवादों में है। सनातन संस्था के खिलाफ कई सबूत, क्या लगेगा इस पे बैन? नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड और नाला सुपारा में बम और विस्फोटकों से मिलने से कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद सनातन संस्था फिर विवादों में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार उस पर प्रतिबंध लगाएगी। महाराष्ट्र ATS का मानना है कि पिछले 15 दिनों में गिरफ्तार हुए आरोपी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्था से या तो जुड़े हुए हैं या फिर इसकी विचारधारा से प्रभावित हैं। जालना के जिस पूर्व पार्षद श्रीकांत पांगावकर को 2 दिन पहले आतंकी साजिश में गिरफ्तार किया गया, वह सनातन संस्था के गोवा में हुए समारोह में कई बार भाग ले चुका है। ATS की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने सनातन संस्था पर बैन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास 7 साल पहले भेजा था। सनातन संस्था या उससे जुड़ी कई संगठन का नाम तो अतीत में कई बार आतंकी साजिश में आया था, पर उसके खिलाफ सीधे सबूत नहीं थे। उसके अंतर्गत अलग अलग नाम के 20 संगठनों के काम करने के कारण भी प्रतिबंध लगाना संभव नहीं हो पाया था। पिछले 15 दिन के घटनाक्रम में अब जांच एजेंसियों को सनातन संस्था और उससे जुड़े संगठनों के बारे में काफी सबूत मिले हैं। जब महाराष्ट्र ATS चीफ अतुल चंद कुलकर्णी से पूछा गया कि क्या वह सनातन संस्था पर प्रतिबंध के लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे, तो उन्होंने कहा, यदि पूछा जाएगा तो हम प्रस्ताव अवश्य भेजेंगे। सनातन संस्था के प्रवक्ता चेतन राजहंस ने कहा है कि सोमवार से कांग्रेस के उतावले नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि सनातन संस्था पर बैन लगाओ और संस्था के सनातन के प्रमुख को गिरफ्तार करो। इसका नैतिक अधिकार कांग्रेसियों को नहीं है। हालांकि एक नई अधिकारी ने NBT से कहा कि हमने बम विस्फोटकों और हथियारों की बरामदगी में आरोपियों के खिलाफ UAPA एक्ट लगाया है। किसी भी केस में UAPA लगाने के बाद किसी भी जांच एजेंसी को 24 घंटे के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय को FIR की कॉपी भेजनी पड़ती है। साथ ही केस का सारांश भी लिखकर भेजना पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार FIR पढ़ने और केस को समझने के बाद खुद ही बैन लगाने या ना लगाने का लेकर फैसला कर सकती है। मंगलवार को जब ATS चीफ अतुल चंद्र कुलकर्णी से पूछा गया कि क्या ATS सनातन संस्था के संस्थापक जयंत अठावले को पूछताछ के लिए बुला सकती है, तो कुलकर्णी का जवाब था, यदि जरूरत पड़ी तो हम उन्हें भी बुलाएंगे। उन्होंने कहा, नरेंद्र दाभोलकर केस में मंगलवार को CBI ने औरंगाबाद में हमारी टीम की मदद मांगी थी, हमने उन्हें मदद दी। पता चला है कि CBI ने दाभोलकर मर्डर में शनिवार को गिरफ्तार सचिन अंदुरे के एक दोस्त के औरंगाबाद के घर से मंगलवार को कुछ हथियार और कारतूस जब्त किए हैं। उन हथियारों को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। जो हथियार पिछले पखवाड़े नाला सुपारा में जब्त किए गए थे, वे भी फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। अब लैब की रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि किस हथियार से दाभोलकर को गोली मारी गई थी। 2011 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था सनातन संस्था पर प्रतिबंध का प्रस्ताव, तब केंद्र में UPA की सरकार थी। 2013 में आखिर में गृह मंत्रालय ने उस प्रस्ताव पर कुछ सवाल महाराष्ट्र ATS से पूछे। इस बीच चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बदल गई। 2015 में ATS ने गृह मंत्रालय को पूछे गए सवालों के जवाब भेजे। कहा गया कि सनातन संस्था पर प्रतिबंध व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। 20 छोटे बड़े संगठन है सनातन संस्था के महाराष्ट्र में, इसलिए प्रतिबंध लगाना मुश्किल है। ATS के एक अधिकारी के अनुसार पति से हर रोज होने वाले बलात्कार से तंग स्कूल शिक्षिका ने हाथ की नस काट के खुदकुशी करने की कोशिश की।
पति के हिंसक व्यवहार और रेप से तंग आकर एक 25 साल की स्कूल टीचर ने कलाई की नस काटकर जान देने की कोशिश की। उसने नींद की गोलियों का भी सेवन कर लिया था। जब विक्टिम ने उल्टी करनी शुरू की तो उसकी बहन ने नोटिस किया और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता ने डॉक्टरों की मौजूदगी में पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उसने बेंगलुरु के व्यालिकवल पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। अपने पति के हिंसक व्यवहार के चलते ही पीड़िता ने उसे एक साल पहले छोड़ दिया था और वह मायके में रह रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपी अपने ससुराल जाकर पत्नी के साथ जबरदस्ती करता था। पुलिस ने IPC की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। दंपति की 6 साल की एक बेटी भी है। जांच अधिकारी ने बताया, पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि वह अपने पति से छुटकारा पाने के लिए कोर्ट जाना चाहती है। वह अब दोबारा उसके साथ नहीं रहना चाहती और ना ही ससुराल जाना चाहती है। पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास करने से पहले जो नोट लिखा था उसे बरामद कर लिया गया है। अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता गुरुदास कामत का दिल के दौरे से निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरुदास कामत का दिल्ली स्थित अस्पताल में बुधवार सुबह निधन हो गया। 63 साल की कामत कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बुधवार को उन्हें हार्ट अटैक के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुरुदास कामत मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। गुरुदास कामत कांग्रेस की मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1954 को हुआ था। वह मुंबई के नॉर्थ वेस्ट से एक बार और मुंबई नॉर्थ ईस्ट से 4 बार कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। बुधवार की सुबह उन्हें हार्ट अटैक पड़ने पर दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उनके निधन की घोषणा कर दी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उन्हें देखने अस्पताल पहुंची थी। गुरुदास कामत के अचानक निधन से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बीजेपी सांसद पूनम महाजन और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, कामत के अचानक निधन से बड़ा धक्का लगा है। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। बता दें कि गुरुदास कामत ने एक दिन पहले ही ट्विटर पर ट्वीट करके लोगों को बकरीद की बधाई दी थी। उन्होंने 21 अगस्त को 11:14 पर ट्वीट किया था, ईद उल अजहा के पुरमुसर्रत मौके पर आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ दिख रहे SBT News। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।